Morning friends, welcome to PD classes, student important session for those who are preparing for physical education teacher. I hope if you are going for KVS, आज के हमारे क्वेश्चंस बहुत बेनिफिट देंगे और आपको बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस इंट्रो गाइड पर आप अबंडेंट वीडियोस रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन टीचर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे कैंडिडेट को वेलकम करूंगा और मैं चाहूंगा सबसे पहले आपसे बहुत से टेक्निकल राउंड के फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ओके, सो मिस्टर नरेंद्र, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि फिजिकल एजुकेशन टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सर, फिजिकल एजुकेशन टीचर में सबसे पहले सर उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, अच्छा निर्णय हो, ईमानदार हो, निष्पक्ष हो। सर, उसको गेम में कम से कम हस्तक्षेप करते हुए गेम को पूर्ण करना चाहिए, ये सारी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए सर। ओके, तो आज मुझे कंपनी करने के लिए हमारे दो मेंबर्स हैं यहाँ पर। जी सर। ओके, हरने भी निशा। ओके, और निशा जो है वो उत्तर प्रदेश से है, बलिया से, वो भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। नेक्स्ट संतोष है, ये बिहार से, ये भी आपसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, पटना से। ओके, चलिए तो आप हमें ये बताइए कि फिजिकल एजुकेशन टीचर आप क्यों बनना चाहते हैं। सर, मैं फिजिकल एजुकेशन इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मेरा सपना था बचपन से ही कि मैं आगे जाके स्पोर्ट्समैन बनूं। तो सर, मैंने नागपुर से बीपीएड किया था 84% के साथ। वेरी गुड सर, मेरा सपना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे काफ़ी ऐसे हैं जिनमें खूब सारा टैलेंट भरा कूट कूट के। ओके, लेकिन उन बच्चों को गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो टैलेंट वहाँ का वहीं रह गया। राइट। ताकि सर, मैं चाहता हूँ यही कि मैं पीटीआई बन के उनके गाँव में पोस्टिंग लूँ, उन बच्चों का जो टैलेंट है उसको बाहर लाऊँ, निखारूँ उसको, ताकि वो अपना गाँव का नाम का माता पिता का सबका नाम रोशन कर सके। ओके, आपका फेवरेट गेम क्या है? सर, मेरा फेवरेट गेम जेवलिन थ्रो है। उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सर। सर, गेवलिन थ्रो की शुरुआत 708 ईसा पूर्व हुई थी। उस समय सर उन्होंने शिकार के लिए इसकी शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे यह प्रचलन में आ गया। 1908 ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। सर, जेवलिन थ्रो का वेट होता है वो पुरुषों के लिए 800 ग्राम होता है, महिलाओं के लिए 600 ग्राम होता है। उसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। उसमें सर एक प्रतिबंधित लाइन होती है जिसको फाउल लाइन बोलते हैं, वो सर 7 सेंटीमीटर होती है, 4 मीटर चौड़े और 36 मीटर लंबे रनवे पर दौड़ना होता है। और सर, जेवलिन थ्रो में वो सही माना जाएगा जिसमें जेवलिन की नोक जमीन में धंस जाती है। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट चांस निशा को देता हूँ। निशा, प्लीज हैव योर क्वेश्चन। तो आप नागौर जिले से बिलोंग करते बिल्कुल हैं, तो ये बताइए कि पंचायती राज सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? मैम, पंचायत राज सबसे पहले नागौर में लागू हुआ था। नागौर में बगदरी गाँव की जो जगह है वहाँ पे 1959 में लागू हुआ था। पंचायती राज दिवस मनाया कब जाता है? 24 अप्रैल। थैंक यू मैम, अपडेटिंग माय नॉलेज। यस सर। आप राजस्थान के बारे में कुछ बताइए। सर, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की जनसंख्या कम होने की वजह से जनसंख्या दृष्टि से सातवां स्थान रखता है राजस्थान भारत में। सर, राजस्थान सूरवीरों और वीरों की भूमि है। सर, राजस्थान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो आपको देखने के लिए अच्छी मिलेगी। उदयपुर, सिरोही, माउंट आबू है जो सर कल्चर की वजह से फेमस है। नागौर राजस्थान वो अच्छे कल्चर के लिए फेमस है, अपने पहनावा सर, वो खाना पीना है उसकी वजह से। नरेंद्र, आप हमें ये बताइए कि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करेंगे? सर, मैं स्टूडेंट को उनके जो सर जैसे एक्टर्स है उनके बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा, जैसे ने जॉन अब्राहम है उनके अच्छी कद काठी बॉडी बिल्डिंग है उनके बारे में बताकर उनको मोटिवेट करूँगा। फिर सर स्पोर्ट्समैन आ जाते हैं जैसे विराट कोहली क्रिकेट से अच्छा है, मेसी फुटबॉल से अच्छा है, सर जैसे रोनाल्डो है, सब इनके बारे में बताऊँगा, उनके बारे में बता के मोटिवेट करूँगा कि ये क्या थे और क्या हो गए गेम की वजह से। तो सर, ऐसा करके उनको मैं अच्छे से मोटिवेट करूँगा। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई थी? सर, फिजिकल एजुकेशन शुरुआत वैदिक काल से ही चली आ रही है। वैदिक काल में सर हमने देखा है, वैदिक काल में और रामायण में, महाभारत में कुश्ती, तीरंदाजी सब शामिल था उस समय। सर, ये धीरे धीरे कल्चर में आ गया। उस समय सर इनको शरीर को अच्छा खासा बनाए रखने के लिए करते थे, फिर धीरे धीरे सर ये कल्चर में आ गया। ओके, अच्छा, भारत में आधुनिक फिजिकल एजुकेशन के जनक कौन है? सर, भारत में आधुनिक एजुकेशन का जनक एससी बक है, हरिकरो बक है सर। ओके, और यदि आपको एक शिविर लगाना हो तो आप उसे कैसे तैयार करेंगे? सर, शिविर लगाने के पहले सबसे पहले सर स्टूडेंट को तैयार करेंगे ताकि कौन किस किस को लेकर जाना है, साथ में किसको नहीं लेकर जाना है, फिर उनके घर वालों से अनुमति लेंगे। अगर घर वाले अनुमति दे तो ही लेके जाना हमें, वरना नहीं जाना है सर। फिर सर शिविर के लिए ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ से किस बच्चे को सीखने को मिले, जैसे प्रकृति नेचर हो, प्रकृति की गोद में हो, जहाँ सर नदियाँ वगैरह अच्छा हो, माहौल बच्चों को देखने के लिए हो, पार्क वगैरह हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स लगा हुआ हो वहाँ पे। बिल्कुल सर, वहाँ पे बच्चों को लेके जाएंगे, बच्चों की सर काउंटिंग करेंगे, वहाँ पे सर टेंट लगाएंगे, एक टेंट में 12 बच्चे होंगे और एक उनका होगा नेता, होगा लीडर होगा। सर ऐसा होगा सर 4-5 हम कैंप लगाएंगे अलग अलग करके, फिर बच्चे की खाने की योजना, खाने की योजना होगी सर, उसमें सुबह नाश्ता, बाद में खाना, शाम को खाना, ऐसा वगैरह सर होगी पूरी सुविधा। सर जो बजट होगा ना उसका सर 60% हिस्सा बच्चों के खाने पर लगेगा।
40% अधिक लगेगा सर। और सर हमें यह ध्यान रखना वहाँ किसी प्रकार कोई खतरा ना हो बच्चों को, और सर हमारे साथ में एक टीचर होगा जो सर वो हिसाब रखेगा, उसका लेखन जो पूरा हिसाब रखेगा। अच्छा, बॉडी में सबसे बड़ी हड्डियाँ कौन सी और इनके काम क्या होते हैं? सर बॉडी में सबसे बड़ी हड्डियाँ वैसे तो फीमर है सबसे बड़ी, फिर रेडियस अल्ना, टीबी फिबुला है सर, इनका काम लीवर का काम करती है। बड़ी हड्डियाँ सर खोखली होती है अंदर से, जिसमें सर बोन मैरो का निर्माण होता है। ओके, अच्छा सेकंड आर्ट ऑफ बॉडी कौन सी मांसपेशी को बोला जाता है? सर गैस्ट्रोनिमस को बोला जाता है, जिसको सर हम काप मसल भी कहते हैं, जो पिंडली की मांसपेशी होती है। लीवर कितने प्रकार के होते हैं? सर लीवर 3 प्रकार के होते हैं। ओके, शरीर में वसा कितनी मात्रा में होनी चाहिए? 9.1 कैलोरी सर। ओके, और शारीरिक शिक्षक की खेल के दौरान क्या भूमिका होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर शारीरिक शिक्षक की खेल के दौरान मोस्ट भूमिका यही रहेगी कि उसको खेल चलते समय कम से कम हस्तक्षेप करते हुए खेल को अच्छे से पूर्ण करना है। ओके, अच्छा एथलीट हार्ट की धड़कन दर कितनी होनी चाहिए? सर एथलीट हार्ट की धड़कन 40 से 60 मिनट प्रति मिनट होनी चाहिए सर। ओके, कुछ योग का नॉलेज है आपको? बिल्कुल सर। अच्छा, अष्टांग योग में आसन की परिभाषा बता सकते हैं? जी सर, बताइए। सर अष्टांग योग में आसन की परिभाषा है स्थिरम सुखम से आसनम, अर्थात सर शरीर को उस स्थिति में रखना जैसे लंबे समय तक आराम से रह सके और किसी प्रकार की वो दिक्कत ना हो। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए कोई आसन है? बिल्कुल है सर, सर शवासन है। और शुगर को नियंत्रित करने के लिए? मयूरासन है सर, मंडूकासन है। प्राणायाम में पूरक कुंभक रेचक के सही अनुपात बता सकते हैं? बिल्कुल सर, सर प्राणायाम में पूरक कुंभक रेचक का अनुपात है 1:4:2। सर पूरक का अर्थ होता है श्वास को अंदर खींचना और 1 सेकंड तक रखना, कुंभक का अर्थ होता है श्वास को वापस बाहर छोड़ना 4 सेकंड तक। ओके, और सर रेचन का अर्थ होता है सांस को जहाँ है वहीं रोकना। ओके, और बंद कितने प्रकार के होते हैं? सर बंद 3 प्रकार के होते हैं, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। ओके, एनी क्वेश्चन निशा यू वांट टू आस्क? अच्छा ये बताइए फिजिकल एजुकेशन में इससे बच्चों को क्या बेनिफिट होगा? मैम इसमें बच्चों को बहुत सारा बेनिफिट है, बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे, अपने घर परिवार नाम रोशन करेंगे, नए नए गेम उनको सीखने को मिलेंगे। अभी क्या है बच्चों को बिना गाइडेंस की वजह से उनको कोई नॉलेज है नहीं, तो वो जहाँ अपना टैलेंट है वहीं रखते हैं, अपने छुपा हुआ टैलेंट वहीं रह जाता है। फिर मैं कोशिश यही करूँगा उनका टैलेंट बाहर निकालूँ, उनको जेवलिन थ्रो है, बहुत सारे गेम है, क्रिकेट है, शॉर्ट बॉल है, टेबल टेनिस है, उनके बारे में अच्छे से बताऊँ और उनको आगे लेके जाऊँ, स्टेट या नेशनल तक लेके जाऊँ। वेरी गुड, एनी क्वेश्चन संतोष फ्रॉम योर साइड? आपका स्ट्रेंथ क्या है? मेरा स्ट्रेंथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्किंग। ओके, और आपकी हॉबीज? मेरी हॉबीज जेवलिन थ्रो खेलना, क्रिकेट खेलना, शॉर्ट बॉल खेलना, न्यू कल्चर एक्सप्लोर करना आदि है सर। केवीएस कब एस्टेब्लिश हुआ था? क्या सर? केवीएस की एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, कब शुरू हुआ था केवीएस? सर केवीएस 15 दिसंबर 1963 को स्टार्ट हुआ था। और कितने स्कूल से हुआ था? 20 स्कूल से हुआ था सर। वेरी गुड, चलिए आपने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। ओके, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।